हेलो डिफेंस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे सी नगर पालिका सेवा संवर्ग यहाँ पर रिजल्ट के बारे में बात करने वाले। तो फिलहाल यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ परेशान ज़्यादा हो रहे हैं फिलहाल, जिस तरह परेशानी होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह यहाँ पर जेएसएससी का रवैया, जिस तरह यहाँ पर जेएसएससी तरफ से किया जा रहा है, ये जो है फिलहाल यहाँ जो समझ से बाहर हो चुका है इसको आप देखोगे तो। क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट आउट क्यों नहीं किया जा रहा है नगर पालिका का, यहाँ पर इतना लेट हो रहा है, उसके बावजूद यहाँ पर रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं जारी किया जा रहा है। जिस टाइम यहाँ पर रिजल्ट जारी करना था उस टाइम फाइनल आंसर की को जारी कर दिया गया। जो यहाँ पर फाइनल आंसर की का जो डेट था उसको पहले करना चाहिए था, तो वो जब रिजल्ट के टाइम पर कर दिया गया कि यहाँ पर फाइनल आंसर की का प्रोसेस चल रहा है दिखाने के लिए, तो ये सब गलत है। फिलहाल जो आप यहाँ पर दो बार कैलेंडर जारी किए हो एंड दो बार कैलेंडर जारी करके यहाँ पर जो रिवाइज कैलेंडर जारी किया उसमें भी आपने अगस्त यहाँ पर सेकेंड भी रखा था, लेकिन रिजल्ट आउट नहीं किया। यहाँ पर कैंडिडेट्स परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट पर आप लोग कुछ अपडेट दिए, तो अपडेट यहाँ पर क्या दें। फिलहाल यहाँ पर देखोगे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ यहाँ पर जारी ही नहीं किया जा रहा है। देखो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में आओगे तो यहाँ पर फिलहाल नगर पालिका सेवा संवर्ग के रिगार्डिंग कोई अपडेट अभी तक जारी नहीं किया गया है। तो इसके पहले वाले वीडियो मैंने बताया भी था कि यहाँ पर जो है कि रिजल्ट आप लोग का डिले किया जाएगा, ठीक है, लेकिन रीज़न क्या था डिले करने का, अगर वहाँ पर जो है फाइनल आंसर की जिस दिन आया था उसी दिन मैंने बता दिया था आप लोग को कि रिजल्ट आप लोग का डिले किया जाएगा, क्योंकि फाइनल आंसर की उस टाइम जारी नहीं करना था जेएसएससी को, वहाँ पर इसलिए जारी किया गया था कि फाइनल आंसर की का प्रोसेस चल रहा है, उसके बाद रिजल्ट आउट होगा। यहाँ पर आखिरकार स्टूडेंट कितना वेट करे, ठीक है, वेट करते करते टाइम निकलता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जेएसएससी को यहाँ पर जो है समझ में नहीं आ रहा कि फिलहाल यहाँ पर जो है स्टूडेंट का यहाँ पर परेशानी क्यों नहीं समझ में आ रहा है, ये फिलहाल समझ से बाहर है, ठीक है। क्योंकि आखिरकार कितना स्टूडेंट वेट करेगा, आप यहाँ पर सही से एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कर रहे हो, ना ही रिजल्ट आप लोग का सही ढंग से हो रहा है, तो फिर स्टूडेंट क्या करे, आंसर की के लिए यहाँ पर आंदोलन करना पड़ रहा है फिलहाल। ऐसा प्रोसेस थोड़ा सा यहाँ पर जो फास्ट करना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलने वाला है फिलहाल जो है। एक तो यहाँ प्रोसेस, यहाँ देखोगे जो भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहा है उसका कुछ आता पता नहीं चल रहा, अभी सीजीएल का कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं है, 21-22 को डेट दिया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर जो एक नोटिफिकेशन कम से कम जारी करना चाहिए कि यहाँ पर जो है जेपीएससी का यहाँ पर मैच क्लेश कर रहा है यहाँ पर जेएससी का सीजीएल के साथ, ठीक है, रेंजर का जो डेट है एंड यहाँ पर जैसे सीजीएल का डेट दोनों क्लेश कर जा रहा है, तो इसको लेकर एक यहाँ पर क्लैरिफिकेशन कम से कम यहाँ पर देना चाहिए था, वो भी नहीं किया जा रहा है, ना ही यहाँ पर नगर पालिका का रिजल्ट जारी किया जा रहा है एंड ना ही यहाँ पर लेडी सुपरवाइजर का कोई अपडेट एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग दिया जा रहा है, ठीक है। एंड उसके बाद जो आप लोग का जेआईटीयूसीए का यानी कि जो है वहाँ पर जो है औद्योगिक अधिकारी का जो आप लोग का यहाँ पर शिक्षण अधिकारी का जो आप लोग का वहाँ पर उसका रिजल्ट का उसको भी पेंडिंग में दे दिया गया, उसका भी रिजल्ट का कोई पता नहीं है। तो फिर आप लोग यहाँ पर एग्ज़ाम कैलेंडर क्यों जारी करते हो, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करने का मतलब ही क्या रह जाता है। आप एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं जारी करो जब आप फॉलो ही नहीं कर पाओगे तो एग्ज़ाम कैलेंडर का मतलब क्या है। अभी फिलहाल देखोगे तो यहाँ पर जो है आप कोई भी एग्ज़ाम्स का देखो, या बीपीएससी का देखो, या फिर आप लोग एसएससी का देखो, यूपीएससी का देखो, या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स का देखो, अभी यूपी में एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो रहे हैं, तो यहाँ पर जो वहाँ पर जो डेट दिया गया, ठीक है, यानी कि एसएससी का देखोगे या फिर यूपीएससी या फिर बीपीएससी का देखोगे, बीपीएससी में भी ऐसा नहीं होता, बीपीएससी का भी डेट देखोगे तो उसका भी जो है फाइनल किया जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो फिलहाल क्यों नहीं जारी हो रहा है ये समझ से बाहर है। स्टूडेंट आखिरकार कितना वेट करे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहिए जेएससी से कि आखिरकार हम लोग कितना वेट करें, एक साल वेट बहुत होता है एक रिजल्ट के लिए। सबसे बड़ी बात है कि आप आंसर की नहीं थी, आंसर की कुछ दिन पहले यानी कुछ महीने पहले देखोगे तो आप लोग का आंसर की जारी किया गया था एंड उसके बाद फाइनल आंसर की भी आप लोग का जो है बहुत पेंडिंग कर दिया गया था। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट है यहाँ पर जेएसएससी को जल्द से जल्द नगर पालिका का रिजल्ट जारी किया जाए। यहाँ पर अब जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे, प्लीज़ यहाँ पर जो माइंड सेट समझा जाए, क्योंकि यहाँ पर अब पूछते हैं स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर यहाँ पर रिजल्ट कब तक आएगा, कब तक यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट कर दिया जाएगा। तो फिलहाल मैं आप लोग को अपडेट कहाँ से दूँ, फिलहाल यहाँ पर जो यहाँ पर परेशान आप लोग हो रहे हैं, मैं आप लोग को समझ रहा हूँ बात को, लेकिन यहाँ पर जेएसएससी कुछ कर ही नहीं रही फिलहाल, ये तो समझ से बाहर है कि क्यों नहीं यहाँ पर किया जा रहा है। एक नोटिफिकेशन कम से कम आउट कर दीजिए कि आप रिजल्ट हम जारी नहीं करेंगे इस साल, अब जो रिजल्ट हम जो है जारी नहीं करेंगे, अगला साल जो आचार संहिता अब लगने वाला है कुछ महीने में उसके बाद हम रिजल्ट को आउट कर देंगे, ठीक है। तो वैसा भी कुछ नहीं बोला जा रहा है, ना ही रिजल्ट जारी किया जा रहा है, सिर्फ एक यहाँ पर एग्ज़ाम कैलेंडर आता है उसमें एक्सपेक्टेड डेट और संभावित डेट, संभावित वो भी कंफर्मेशन नहीं रहता है कि होगा कि ना, आज तक कोई एग्ज़ाम कैलेंडर फे यहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री उठा के देखोगे तो जो भी एग्ज़ाम्स कैलेंडर जारी किया गया है
कभी सक्सेस नहीं हुआ। फिलहाल यहाँ पर चेयरमैन सर को चाहिए कि यहाँ पर जो यहाँ पर देखना चाहिए कि एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया जा रहा है जेसीसी की तरफ से, तो उसको फॉलो क्यों नहीं किया जा रहा। आप एग्ज़ाम कैलेंडर के साथ कितने लोग का विश्वास वहाँ पर जुड़ा हुआ रहता है ये फिलहाल जेसीसी को समझना पड़ेगा। कितना लोग उम्मीद रखता है वहाँ फिलहाल जो है कि यहाँ पर रिजल्ट जारी होगा, यहाँ पर जो है एग्ज़ाम्स कंडक्ट होंगे, कितना स्टूडेंट जो है खुश हो जाता है वो एग्ज़ाम कैलेंडर को देख के। लेकिन जब वहाँ पर जो है एग्ज़ाम कैलेंडर को जब देखता है उसके बाद फिर जो है वो डेट फॉलो नहीं होता, तो फिर कितना स्टूडेंट परेशान होता है। आप एक एक स्टूडेंट का सर्वे करा सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है, पूछना चाहिए कि क्या आप समझते हो एग्ज़ाम कैलेंडर जो है जब जारी होता है उसके पहले ना आप और एग्ज़ाम कैलेंडर जारी होने के बाद जो है नहीं फॉलो होता है तो आप लोग कैसा महसूस करते हो। ये फिलहाल समझ से बाहर है, इसको जल्द से जल्द सॉल्व करना चाहिए। ये सब जो है एग्ज़ाम कैलेंडर को देखना चाहिए कि आप लोग जारी कर रहे हो तो फिर उसको जो है सही ढंग से फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो। कितना स्टूडेंट का उम्मीद जो बर्बाद हो जाता है इस तरह, वेट कर रहा है कि हाँ सेकेंड वीक में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन सेकेंड वीक में रिजल्ट क्यों आएगा। यहाँ पर रिवाइज जारी किया गया, बहुत उम्मीद था इस बार कि रिवाइज जारी किया गया कैलेंडर तो इसमें सेकेंड वीक आप लोग का फिक्स था, ठीक है, लेकिन फिक्स रहने के बावजूद यहाँ पर डेट को जो है एक्सटेंड कर दिया गया। एक्सटेंड भी नहीं कर सकते हो, एक्सटेंड क्या होता है, एक्सटेंड मतलब कि एक निर्धारित आपका डेट वहाँ पर जो दे दिया था कि हाँ इतना के बाद आप लोग का आएगा, वो भी यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। तो कम से कम यहाँ पर जो स्टूडेंट का जो यहाँ पर उम्मीद है, जो यहाँ भावना के साथ यहाँ पर जो प्रिपरेशन करते हैं उसको यहाँ पर समझना चाहिए कि आखिरकार कितना झेले स्टूडेंट यहाँ पर जो है, आखिरकार कितना झेले स्टूडेंट। अभी जो भी यहाँ पर वैकेंसी क्लियर किया जा रहा है ये सब पुराना वैकेंसी है, 2022 का है, दो साल तो वैसे चल गया, अभी रिजल्ट का पता नहीं। अब यहाँ पर इलेक्शन होगा तो रिजल्ट फिर यहाँ पर जो है ख़त्म हो जाएगा, तो फिर स्टूडेंट क्या करेगा, फिर इसी सिचुएशन को यहाँ पर कैसे हैंडल करेगा, यहाँ पर समझना चाहिए। अब क्या इसमें बोला जाए बताइए आप लोग। फिलहाल यहाँ ज़्यादातर रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं क्योंकि कुछ यहाँ पर हो नहीं रहा है, कुछ भी कर लो आप यहाँ पर जो है पता नहीं क्यों नहीं होता, ये समझ से बाहर है। यहाँ जो है ये समझ से बाहर है, कुछ भी कर लो पता नहीं क्यों नहीं यहाँ पर जारी किया जाता है रिजल्ट। इसी तरह लेडी सुपरवाइज़र का भी यहाँ पर रखा गया था आप लोग का लास्ट वीक में, इसका यहाँ पर जो है कि जारी कर दिया जाएगा, इसका जो सॉरी यहाँ पर एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा अगस्त का लास्ट वीक में। लेकिन अब यहाँ पर अगस्त का लास्ट वीक में यहाँ पर एग्ज़ाम को बढ़ाकर 8 तारीख को कर दिया गया, 8 तारीख से, तो फिर एग्ज़ाम कैलेंडर का क्या है मतलब रह गया। एग्ज़ाम कैलेंडर मत जारी कीजिए अब, वैसे स्टूडेंट परेशान है और उसको परेशान क्यों करना। एक उम्मीद रहता है कि हाँ इस डेट में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, इस डेट में यहाँ पर रिजल्ट आएगा, लेकिन सब उम्मीद वहाँ जब ख़त्म हो जाता है तो फिर स्टूडेंट से बोल तो रहे ना कि एक बार सर्वे करवाइए, पूछिए स्टूडेंट का क्या वहाँ लगता है एग्ज़ाम कैलेंडर जब फेल हो जाता है। तो अब तो वैसे देखो आदत हो चुका है स्टूडेंट का फिलहाल यहाँ पर कि एग्ज़ाम कैलेंडर अब फॉलो नहीं होगा, क्योंकि एक बार दो बार तीन बार कितना स्टूडेंट देखे। अब 22 का वैकेंसी है उसमें भी लेट हो रहा है, कम से कम उसको जल्द से जल्द फाइनल करना चाहिए। अब यहाँ पर रिजल्ट जारी किया गया, देख सकते हो कि यहाँ पर जो किसका जारी किया गया था, देख सकते हो स्कोर कार्ड जारी किया गया था जो कि यहाँ पर किसका है, CGTTC 216 लगाने की फिलहाल जो है संयुक्त स्नातक प्रशिक्षित जो है शिक्षक है उसका यहाँ पर जो है रिजल्ट जारी किया गया। तो आप 16 का जारी कर रहे हो, ये भी लेट से ही है, ये भी जो उपलब्धि नहीं है कि इसको जल्द से जल्द यहाँ पर जारी किया गया, ये भी लेट से ही जारी किया गया, ये भी जो है लेट से ही जारी किया गया। 16 का वैकेंसी का स्कोर कार्ड अभी आप जारी करोगे यानी करीबन 8 साल के बाद, ये समझ से बाहर है फिलहाल। तो उसी तरह यहाँ पर नगर पालिका का देखने को मिल रहा है, अभी एक साल जो करीबन होने वाला है यानी अक्टूबर में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि लास्ट ऑफ सेप्टेम्बर आने वाला है, ठीक है, क्योंकि इस मंथ अब ख़त्म हो गया, अब आने वाला है अक्टूबर, तो एक साल हो जाएगा। फिर इसी तरह इसका भी डेट बढ़ेगा, इसका भी स्कोर कार्ड आएगा आपका एक साल के बाद। ये सब जो बहुत परेशानी वाली बात है, ये जो है यहाँ पर फिलहाल जो रिक्वेस्ट है जेसीसी से कि जल्द से जल्द ये स्टूडेंट का माइंडसेट को समझिए, स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं एंड यहाँ पर रिजल्ट को जल्द से जल्द आउट कीजिए। एंड जो भी प्रोसेस है, जो भी क्लैरिफिकेशंस प्रॉब्लम्स यहाँ पर स्टूडेंट्स को है, CGL को लेके हो या फिर अदर एग्ज़ाम्स को लेके हो, उसका क्लैरिफिकेशन यहाँ पर दूर कीजिए। और स्टूडेंट कुछ मांग नहीं करता, यहाँ पर इतना ही मांग करता है कि यहाँ सब कुछ फेयर तरीके से हो एंड जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका सिलेक्शन हो एंड एक एग्जैक्ट डेट मिले, उस एग्जैक्ट डेट में फॉलो किया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि फॉलो नहीं होगा, फॉलो होगा। आप SSC को उठा के देख लीजिए, SSC का कोई भी एग्ज़ाम्स को देख लीजिए, सब फॉलो होता है। UPSC का देख लो, BPSC का देख लो, अब जो भी स्टेट PCS का एग्ज़ाम से, सब कुछ फॉलो होता है, ऐसा नहीं है। फॉलो करना चाहेंगे तो फॉलो होगा, लेकिन यहाँ पर जो है चाहिए यहाँ पर JSSC को कि जल्द से जल्द इसको जो रिजल्ट जारी किया जाए, क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट जो वेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर परेशान हो चुके हैं जो भी यहाँ पर नगर पालिका वाले कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, तो क्या बताया जाए, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट दिखा दिया, क्योंकि कुछ होता नहीं है कुछ भी करने से यहाँ फिलहाल।
रिक्वेस्ट है ये कि फिलहाल जल्द से जल्द यहाँ पर रिजल्ट आउट कर दिया जाए। आप लोग से रिक्वेस्ट भी है प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी यहाँ पर जो है यहाँ पर वेट कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर कैंडिडेट्स यहाँ पर रिजल्ट का बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं, वो भी यहाँ उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि यहाँ पर जल्द से जल्द रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि यहाँ पर जो है जहाँ वीडियो को ज़्यादा शेयर करोगे तो जो है सही जगह पर वीडियो पहुँचे, ताकि यहाँ पर रिजल्ट आप लोग का जो है जल्द से जल्द यहाँ पर जारी हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी अपडेट आप लोग का यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में आए मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँ। एंड वीडियो पसंद वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। एंड मैंने आप लोग को दिखा ही दिया ऑफिशियल वेबसाइट में फ़िलहाल कोई अपडेट यहाँ पर नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना मैं बार बार वीडियो में बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते हो फिलहाल, ठीक है। क्या कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर जीएससी को एग्ज़ाम कैलेंडर जब जारी किया गया तो उसको फॉलो करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर रिवाइज भी किया गया उसमें फॉलो नहीं करना, तो फिर क्या है यहाँ फ़िलहाल, ठीक है। तो कोई भी अपडेट आप लोग का आता, ज़्यादा टेंशन फ़िलहाल नहीं लेना आप लोग को, क्योंकि आप लोग भी इसको झेलते झेलते बहुत यहाँ पर जो है आप लोग का भी आदत हो चुका है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा वेट करो, और क्या कर सकते हो, वेट करो, और यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल। मैंने जो कहा मैंने रिक्वेस्ट किया, इसलिए कर रहा हूँ, वीडियो शेयर कीजिए ताकि सही जगह पर पहुँचे वीडियो, एंड आप लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द यहाँ पर जारी हो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नियर बैठ का, थैंक यू।